अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है, 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे इस मुल्क को आज़ाद होकर। इसी बात पर जश्न मनाया गया और शफाक फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से भी फ्लैग होस्टिंग की गई, जहाँ पर चननकुटा इंस्पेक्टर के अलावा दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। क्लैप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शफक फातिमा ऑर्गेनाइजेशन 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को हमारे को बुलाए, बहुत खुशी हो गया। ये मैडम, ये फाउंडेशन का इंचार्ज मैडम गजाला अंजुम मैडम, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत कोशिश कर रहा, और मैडम को धन्यवाद है। कहीं को बोलते हैं पूरा लेडीज़ को टेलरिंग और कंप्यूटर सब काम सिखा रहे इधर से, नर्सिंग। इसीलिए ये ओल्ड सिटी में औरतों को एम्पावरमेंट और जॉब मिलने के चांसेस है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाने चला रहा मैडम, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज 15 अगस्त शफक फातिमा वेलफेयर सोसाइटी में जो है 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और मैडम रोज़ाना अंजुम जो यहाँ के MD है, काफ़ी अच्छे एक्टिविटीज़ रहते हैं मैडम के। और अभी फ्लैग होस्टिंग में जो है हमारे SHO वर्मा साहब भी आए थे यहाँ पर, और मैं तमाम लोगों को जो आपके चैनल की जानिब से देख रहे हैं उनको एक मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज़ादी जो है, काफ़ी लोग शहीद होके जो है हमें आज़ादी दिलाए, सो है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं सब मिलजुल के रहना चाहिए और ये आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए। ये सेक्युलर कंट्री है, इसको सेक्युलर हमेशा रखना चाहिए। शुक्रिया। राइट। सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हिंदुस्तान की योम आज़ादी के मौके पर 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। बहुत जोश और खुरूस है, बहुत खुशी होती है और बहुत खुशी हुई है आज। खुसूसन मैं बहुत ममनून हूँ इस शफक फातिमा नर्सिंग एंड टेलरिंग सेंटर के गज़ाला मैडम की जानब से आज का ये प्रोग्राम मुनक्द हुआ है। और हमारे साथ अभी एरिया इंस्पेक्टर सर्कल साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए थे, उनका भी वी आर थैंकफुल। और ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, उनका कौल है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में तुम रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। ये सभी हमारे हमारी दिल में हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना यही है। और आज हमें देखने को ये मौका मिलता है कि वाकई सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा बेहतर है, अच्छा है। जय हिंद, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्लिही अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए खुशी मनाने के हिसाब से सबको इनवाइट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए थे,
सुस्कर वर्मा साहब जो 11 बजे से यहाँ पर आके इंतज़ार कर रहे थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्लैग होस्टिंग हो गई हमारे पास 12 बजे से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैग होस्टिंग भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ताउन रहा। सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हम आज का दिन आज़ादी का दिन मनाते हैं, हम इंडियन हैं, इस बात का फ़ख्र करती हूँ पहले अल्लाह और उसके रसूल पे, बाद इस बात पे कि अल्लाह ने हमको इंडियन बनाया, हम इंडियन हैं। आज़ादी का दिन आज का मनाया जाता है, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि ये दिन आज़ादी का होने के बावजूद इंडिया आज़ाद नहीं है, इंडिया आज़ाद नहीं है। इंडिया को आज भी ऐसा लगता है कि इंडियन कैदी की तरह गुजार रहे हैं। हाँ, जब से ये हुकूमत बदली है 2014 से, जब से तो गरीबों की ज़िंदगी एक दुश्वार हो गई है, ज़िंदगी एक नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। शायद कई लोग ख़ुदकुशी भी कर लेते अगर परिवार की तकालीफ का एहसास नहीं होता उनको। तो कई लोग ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। मैं इससे पहले भी कई वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ, मैं साहिब इस्तेतात लोगों को खुसूस करके, जिसमें हमारे मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग सर का फुल ताउन रहा है इस मामले में, कि जितना हो सकता जहाँ जहाँ हो सकता मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग सर जाके गरीबों की हेल्प करते हैं। और देखिए, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी भी बताना चाहती हूँ कि सबसे जो लोकल फैमिलीज लोग रहते हैं, लोकल यानी मैं किसी को गिरा के नहीं देख रही हूँ, मैं कहने का मतलब ये है जो चार के आगे हाथ फैला के लेना जानते हैं वो किसी तरह भी अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को बहुत तकलीफ हो रही है जब से ये हुकूमत आई है। गैस हो, राशन हो, हर चीज़, तरकारी हो या ऑयल वगैरह हो, हर चीज़ के लिए तकलीफ़ हो रही है। तो ये सेंटर शफक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है और हमारी सोसाइटी में हम इस वक्त काफ़ी फ्री कोर्सेस रखे हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, जनरल नर्सिंग है, मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन ज़रूरी है और टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, एडवांस हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये कोर्सेस हम फ्री के कोर्सेस रखे हैं और तकरीबन कोर्सेस हैं जो यहाँ इस बोर्ड पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी तालीम, दीनी इस्लामी तालीम वगैरह भी है हमारे पास से। और ये हमारे सेंटर के प्रेसिडेंट हैं शफक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, और आप लोग तो मेरे चेहरे को तमाम लोग जानते हैं, मेरा नाम सैयदा गज़ाला अंजुम है, मैं शफक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी सोशल वर्कर हूँ और MDS ग्रुप मेंबर भी हूँ और ह्यूमन राइट्स से भी मैं काम करती हूँ। जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह का कुछ मालूम होता है तो जाके उन बच्चों के लिए कुछ सहायता करने की कोशिश करती हूँ और गरीब औरतों के लिए भी काउंसलिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर, आप लोग रब्त करना चाहे तो कर सकते हैं मुझसे। और मैं यही चाहूँगी, यही दोबारा कहना चाहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिली बहुत तकलीफ़ में है। प्राइम मिनिस्टर से तो हमको उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, मैं सामने एक पीछे एक या डर के बात करने वालों में से नहीं हूँ, सिर्फ तीन चीज़ों से डरती हूँ ज़िंदगी में, अल्लाह, रसूल अल्लाह, उसके बाद बदवा से। और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब से ये कहना चाहूँगी जो प्रोसेस रखे हैं गरीबों के लिए, जैसे शादी मुबारक है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का है, डबल बेडरूम हाउस वगैरह का है, जो रखे हैं उसके लिए ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। कई बच्चियों के शादी मुबारक के लिए इंक्वायरी होके गए घर से, मंडल ऑफिस पे से लोग आके इंक्वायरी करके गए उनके घर पे, लेकिन अभी तक वो स्कीम पास नहीं हुई उनकी। कई गरीब बच्चियाँ आके यहाँ पर अफसोस जाहिर करके जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि KCR साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मस्जिद शहीद हो, चाहे मस्जिद शहीद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हमारे लिए सब, हर धर्म हमारे लिए एक जैसा है। हम इंडियन हैं, हम इत्तेफाक़ से जीना सीखे हैं बचपन से, आगे भी इत्तेफाक़ इतिहास से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये ज़ात धर्म का भेदभाव ना हो और जो भी मस्जिदें शहीद हुई हैं उसको जल्दी से जल्दी तामीर करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अदबन इल्तिजा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उर्दू को भी सेकंड लैंग्वेज का मुकाम दिया जाएगा। KCR साहब ने सेकंड लैंग्वेज उर्दू को दे दिया ये कहा है,
लेकिन अभी तक उसमें कुछ बिगविल केक हाउस हमें कुछ खास हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स प्योर घी और नंबर वन क्वालिटी के जाफरान पिस्ता बादाम काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल दम के रोट हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स हर उम्र की पसंद बिगविल केक हाउस बिगविल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी बिगविल केक हाउस टोरी चौकी एक्स रोड हैदराबाद।